हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्ना दास, मैं उड़ीसा से हूँ। आज मैं आपके लिए मॉस्फेट का वर्किंग कंसेप्ट क्या है और प्रैक्टिकल टेस्टिंग हम आपको दिखाएंगे, मॉस्फेट को किस तरह टेस्ट करते हैं, ओके है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये एक मॉस्फेट है। तो मॉस्फेट का सिंबल आप देख सकते हैं, ये है मॉस्फेट का सिंबल। तो यहाँ पे देखिए, ये सोर्स टू ड्रेन पे एक डायोड लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये है एन चैनल मॉस्फेट। इसको जानने के लिए इसका सिंबल से आपको पता चल जाएगा ये एन चैनल मॉस्फेट है। तो और एक चीज़ देखिए, एक आरो मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते, सोर्स टू गेट की तरफ जा रहा है। तो ये है दूसरा जो मॉस्फेट को जानने के लिए, ये कौन सा मॉस्फेट है। तो ये एन चैनल मॉस्फेट है। तो एन चैनल मॉस्फेट में वर्किंग क्या है, सपोज इस पर इसका ड्रेन पे 19 वोल्ट मिल रहा है, तो सोर्स पे आपको 19 वोल्ट चाहिए। तो इसका कंसेप्ट क्या होगा, देख सकते हैं। तो इसका गेट क्या होना चाहिए, तो ये हाई लॉजिक होना चाहिए। तो इसमें हाई वोल्टेज आएगा तो ये 19 वोल्ट ड्रेन पे आकर सोर्स पे आपको मिलेगा। ड्रेन टू सोर्स 19 वोल्ट क्रॉस कर जाएगा, तो गेट आपको हाई होना चाहिए। तो हाई होगा तो ये मॉस्फेट ऑन हो जाएगा। तो मॉस्फेट ऑन हो जाएगा जब हाई लॉजिक मिलेगा इसको, गेट को, तो मॉस्फेट ऑन हो जाएगा। ये एक मॉस्फेट देखिए, एक 8 लेग का मॉस्फेट है, देख सकते हैं। इसका गेट है 4 नंबर पिन, 1 2 3 ये सोर्स है और ड्रेन 5 6 7 8 ये है ड्रेन। तो ये 8 लेग का मॉस्फेट आ रहा है जो कि आपको देखने को मिलेगा एलईडी में। तो एन चैनल मॉस्फेट है ये, देखिए सोर्स टू ड्रेन की तरफ डायोड है, तो ये एन चैनल मॉस्फेट है। तो यहाँ पे देखिए, ये अब आ गया पी चैनल मॉस्फेट। तो पी चैनल मॉस्फेट में देखिए, ये ड्रेन टू सोर्स की तरफ डायोड है, देख सकते हैं। इसका ऑपोजिट होगा, एन चैनल सोर्स टू ड्रेन पे जाए डायोड है और पी चैनल ड्रेन टू सोर्स डायोड है। तो और इसका आरो मार्क भी देखिए, ये सोर्स टू ये सॉरी गेट टू सोर्स की तरफ जा रहा है आरो मार्क, ये एक पहचान है इसका। तो इसे पी चैनल मॉस्फेट कहते हैं। तो पी चैनल मॉस्फेट का सिंबल ये है। तो इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैं लिख देता हूँ। सपोज आपको सोर्स पे 19 वोल्ट मिल रहा है, तो आपको चाहिए ड्रेन पे 19 वोल्ट आपको चाहिए। तो ये स्विच होगा, तो स्विच कैसे होगा, तो ये सोर्स पे 19 वोल्ट मिल रहा है, ये डायोड ऑपोजिट में है, तो ये ड्रेन पे 19 वोल्ट कैसे मिलेगा। तो इसका गेट लो लॉजिक होना चाहिए, तो गेट इसका लो होगा, 19 वोल्ट से लो हो
होगा तो ये क्रॉस कर जाएगा, स्विच हो जाएगा, सोर्स को सोर्स से ड्रेन की तरफ ये स्विच हो जाएगा, ये मॉस्फेट ऑन हो जाएगा। तो अभी ये प्रैक्टिकली देखते हैं, ये एक मॉस्फेट देख सकते हैं, इमेज पे भी देख सकते हैं, इसका सोर्स और गेट और ड्रेन। तो पहले इसको पता चलना चाहिएगा ये कौन सा मॉस्फेट है। तो ये सोर्स कहाँ पे है, देखिए ये सोर्स टू ड्रेन, मैं चेक करता हूँ, इसका वैल्यू भी देख सकते हैं, मैं डायोड रेंज पर मीटर को रखता हूँ। तो सोर्स टू ड्रेन, सोर्स पे मैं रेड प्रूफ रखा रखता हूँ और ड्रेन पे ब्लैक प्रूफ, ये देखिए वैल्यू शो कर रहा है 560। और ये इसका अपोजिट में चेक टेस्ट करता हूँ, ये देखिए कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये एन चैनल मॉस्फेट है, देख सकते हैं ये इसका वैल्यू शो कर रहा है 559। तो ये हो गया एक मॉस्फेट। तो ये मॉस्फेट आपको एन चैनल मॉस्फेट ही मिल रहा है, ये 8 लैक का मॉस्फेट है। तो इसका इमेज भी देख सकते हैं, देख सकते हैं मॉस्फेट में एक डॉट है, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 4 और इस साइड भी 4 पिन है 5 6 7 8। तो इसका 1 2 और 3 ये है सोर्स, इमेज पे भी देख सकते हैं, और ये 4 नंबर है गेट, और इधर भी देख सकते हैं। तो ये 5 6 7 8 7 8 ये ड्रेन है, यहाँ पे देखिए मैं 5 6 7 8 ये आपस में कनेक्ट है, देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर होता है, यहीं से शुरू होता है 1 2 3, ये है सोर्स, और ये 4 जो है ये देखिए कनेक्टिविटी भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये आपस में कनेक्ट है, तो ये सोर्स है, और ये तो 5 6 7 8 देख सकते हैं, ये भी कनेक्शन है, ये ऊपर से दिख रहा है, ये ड्रेन है। तो हम चेक करते हैं ये किस चैनल मॉस्फेट है। तो फर्स्ट मैं ड्रेन पे रख रहा हूँ रेड प्रूफ और सोर्स पे रख रहा हूँ ब्लैक प्रोब, ये कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो मैं फिर से अपोजिट में रखता हूँ, तो इधर देखिए ये वैल्यू शो कर रहा है 496 शो कर रहा है, तो 496 वैल्यू बता रहा है। तो ये इसका मतलब होगा ये एन चैनल मॉस्फेट है, सोर्स टू ड्रेन वैल्यू शो कर रहा है, तो ये एन चैनल मॉस्फेट है। तो हम टेस्ट करते हैं ये अभी सही है कि नहीं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका हाई लॉजिक देंगे तो गेट पे ये ट्रिगर होते हैं हाई लॉजिक, तो ये देखिए वैल्यू शो कर रहा है, और गेट में मैं ट्रिगर देता हूँ जो कि रेड प्रूफ है, पॉजिटिव ट्रिगर। तो रेड प्रूफ को मैं गेट से टच करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं टच किया, और सोर्स टू ड्रेन मैं चेक कर रहा हूँ वैल्यू क्या बता रहा है, ये ठीक से कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो ये देखिए ये कनेक्शन हो गया, शॉर्ट हो गया, देख सकते हैं। तो गेट में ट्रिगर देता हाई ट्रिगर दे रहा हूँ तो ये सोर्स टू ड्रेन कनेक्ट हो जाता है, आपस में शॉर्ट हो जाता है, देख सकते हैं। तो ये मॉस्फेट को ओके माना जाता है। तो
तो अभी डिस्चार्ज में करता हूँ मॉस्फेट को, फिर से मैं सोर्स में रख रहा हूँ, ये देखिए वैल्यू 478, तो गेट में ट्रिगर देता हूँ, देखिए गेट में टच किया तो ये भी अभी देखिए सोर्स टू डन, ये शॉर्ट हो गया। तो ये है, ये मॉस्फेट ओके है, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो ये है मॉस्फेट है, ये भी 8 लेग का मॉस्फेट, इसमें भी एक डॉट है, तो डॉट में देख सकते हैं, डॉट को, ये डॉट को देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8। ओके, इसका इमेज भी देख सकते हैं। ये 1 2 3 ये आपस में शॉर्ट होगा, देखिए ये शॉर्ट है, देखिए ये 1 2 3 ये देखिए आपस में शॉर्ट है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पे, ये देखिए ये आपस में 1 2 3 शॉर्ट है, तो 1 2 3 सोर्स हो गया। तो ये 5 6 7 8 ये भी आपस में शॉर्ट है, तो ये ड्रेन हो गया। तो चेक करते हैं ये कौन सा मॉस्फेट है, तो सोर्स पे ड्रेन, मैं सोर्स पे रखता हूँ रेड प्रूफ को और ड्रेन पे ब्लैक प्रूफ रखता हूँ, ये देखिए मैं डायोड रेंज पे रखता हूँ, ये देखिए कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। तो रेड प्रूफ को मैं ड्रेन पे रखता हूँ, ब्लैक प्रूफ सोर्स पे रखता हूँ, ये देखिए ये वैल्यू शो कर रहा है 580, तो इसका मतलब ये पी चैनल मॉस्फेट है जो कि ड्रेन टू सोर्स मिल रहा है डायोड। तो ये ओके है कि नहीं, हम ट्रिगर देते हैं। तो पी चैनल मॉस्फेट का ट्रिगर क्या है, ये लो लॉजिक होना चाहिए, तो लो लॉजिक है ब्लैक प्रूफ, तो मैं ड्रेन पे रेड प्रूफ रखता हूँ, ये देखिए वैल्यू शो कर रहा है, अभी गेट में ट्रिगर देता हूँ लो जो कि ब्लैक प्रूफ, फिर से देखिए सोर्स टू ड्रेन ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है, गेट में ट्रिगर नहीं, कनेक्ट ठीक से नहीं हो रहा है, फिर से मैं देता हूँ ट्रिगर, फिर से देता हूँ, ये देखिए ये शॉर्ट होता है, देखिए आपस में, ये देखिए जब गेट को ट्रिगर दिया लो तो ये ड्रेन टू सोर्स आपस में कनेक्ट आ गया। तो ये मॉस्फेट ओके माना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक या कमेंट कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।